हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आज जल्दी उठ गए थे सुबह 8 बजे के करीब, और फिलहाल अभी आ चुके हैं डायरेक्ट थोड़ा वॉक करने के लिए। फील्ड पे आ चुके हैं, तो आज फील्ड पे कोई नहीं है, थोड़ा मैं जल्दी आ गया हूँ। और तो मैं इधर 5-10 मिनट बैक करता हूँ, उसके बाद निकल जाएंगे रूम पे। कुछ ऐसा माहौल है अभी फील्ड पे, सन्नाटा है, एक आध लोग रहते ही हैं। सो गाइस, यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस बने रहिए ब्लॉग में, लास्ट तक देखिएगा। हे गाइस, फिलहाल स्नान वगैरह कर चुके हैं और ब्रेकफास्ट में आज ओट्स बना लिए हैं। ये है अपना ब्रेकफास्ट, ओट्स एंड सम ड्राई नट्स वगैरह। चलते हैं, ये खाते हैं अपना ब्रेकफास्ट, बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा चाय वाली दुकान पे जाएंगे, थोड़ा सा वहाँ पे 10-5 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। फिर वही अपना रूटीन, खाना वगैरह लंच के लिए बनाएंगे, उसके बाद फिर अपना वही है शिफ्ट कंटिन्यू है। तो गाइस फाइनली चाय मिल गया अपना आज का सुबह सुबह, फाइनली गाइस, गाइस फाइनली चाय। हे गाइस, फाइनली खाना वगैरह बना चुके हैं लंच के लिए, एंड बस अब खाना खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। सो गाइस, खाने में दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, ये है आज का, ये अपना आज का कंप्लीट लंच। खाना खाते हैं, निकलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। एंड गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30। तो गाइस, करीब एक हफ्ते ब्लॉगिंग नहीं हुई, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका था, आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। दीपावली और लक्ष्मी पूजा, माँ काली पूजा, सब कुछ मनाने के बाद घर पे गया था दिवाली मनाने। उसके बाद जब से बोकारो में मैं आया हूँ, एक दिन बनाया था मैंने काली पूजा वाला ब्लॉग, उसके बाद से थोड़ा रेस्ट हो गया, करीब 8 दिन का रेस्ट हो गया। और बस आज से स्टार्ट करते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं। और इस ब्लॉग के पहले वाला जो ब्लॉग आया था, मैंने उसके बाद से रिकॉर्डिंग मतलब ब्लॉगिंग रेगुलर जो ब्लॉगिंग था वो थोड़ा सा कम कर दिया था, आज से कंटिन्यू करते हैं। और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ फील्ड में, यहीं पास में एक फील्ड है, तो वहाँ पे थोड़ा सा वार्म अप वगैरह करेंगे। ऐसे यही है फील्ड, थोड़ा यहीं पर रुकते हैं। सो करीब 5 मिनट हो चुके हैं और अब वापस चलते हैं। तो ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे, आज कहीं निकलने का प्लानिंग करते हैं। फिलहाल आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं आपसे रूम पे, स्नान वगैरह चलते करते हैं। फाइनली गाइस, स्नान वगैरह कर चुके हैं एंड अभी जस्ट ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लिया है, दिखाते हैं आपको भी। तो गाइस, ये अपना आज का ब्रेकफास्ट पोहा, ये गर्मा गर्म पोहा रेडी कर लिए है अभी। तो मैं ब्रेकफास्ट चलता हूँ करता हूँ, और टाइमिंग काफी लेट हो चुका है, तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं बाहर। तो ठंडा मौसम स्टार्ट हो गया है, धूप वगैरह बाहर अच्छे से मिलेगा, तो वहीं चलते हैं टपरी पे चाय की। फाइनली गाइस, बाहर आ चुके हैं, पहले चाय पियेंगे और फिर कुछ राशन वगैरह थोड़ा बहुत लेके आना है, तो राशन का सामान लेना है। धूप तो अच्छा खासा निकल गया है गाइस, चाय मिल गया, चाय पी लेते हैं, उसके बाद आज का दैनिक कार्य किया जाए। सो गाइस, सब्जी ताज़ा ताज़ा था तो सब्जी ले लिए हैं, और अभी जा रहे हैं थोड़ा राशन की दुकान पे लेना है। फाइनली गाइस, राशन वगैरह भी ले लिया, टाइम 3:30 हो चुके हैं, काफ़ी लेट हो चुका, लंच वगैरह देखते हैं अभी, लंच वगैरह का प्लानिंग करेंगे। और थोड़ा लेट उठने से यही सब होता है, लंच वगैरह मिस हो जाता है, फिलहाल रूम पे चलते हैं। सो गाइस, सामान लेके मैं आ गया था करीब 3:30 बजे, और सामान रख दिया है, फिलहाल अभी शाम के 4:45 हो गए हैं। और अपने जो बाइक है उसका जो फर्स्ट इंश्योरेंस होता है वो एक क्लैप्स हो चुका है, उसी का थोड़ा चलते हैं रिन्यूअल कराने के लिए। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो है अभी 4 साल का, बट फर्स्ट वाला खत्म हो गया है, देखते हैं क्या कॉस्ट लगता है, आपको भी ले चलते हैं, बने रही लास्ट तक देखिए ब्लॉग, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। पहले आ चुके हैं TVS शोरूम, तो मैं शोरूम से ही करवा लूँगा। सो गाइस, फाइनली अपना थर्ड अपना फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कंप्लीट हो गया, अभी 1 साल का छुट्टी हो गया, अब 1 साल बाद फिर से फर्स्ट पार्टी कराना होगा। स्टार्टिंग के 4-5 साल करा लेते हैं, क्योंकि नई गाड़ी में थोड़ा रहता है, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्लेम हो जाएगा। सो अभी शाम के 5:15 हो रहे हैं, और एकदम अंधेरा हो चुका है, कोहरा टाइप का हो गया मौसम, फिलहाल भी थोड़ा नारियल पानी वगैरह पी लेते हैं। अभी हम हैं भाई भटिया के पास, मार्केट जहाँ पे लगता है, और आज मार्केट नहीं लगा है क्योंकि आज फ्राइडे है, एंड मार्केट सैटरडे को लगता है,
हफ्ता में 3 दिन लगता है, जिसमें से एक दिन सैटरडे है। मार्केट का दृश्य कुछ इस तरह से है, एकदम खाली खाली। तो ये मार्केट के लिए पूरा अरेंजमेंट रहता है यहाँ पे, इसी पे सब्जी वगैरह जो भी मिलना होता है लगता है। फिलहाल अभी अपना नारियल पानी इंजॉय करते हैं, अपना काम हो गया, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस बन गया। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आई थिंक 5 साल तक बनवा लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि नई गाड़ी रहती है तो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अच्छे से क्लेम वगैरह हो जाएगा, इसलिए मैं बनवा लेता हूँ। फिलहाल 1 साल अपना अच्छे से निकल गया है। और एक्चुअली मेरा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पिछले महीने ही एक्सपायर हो गया था अक्टूबर में, और मैं नवंबर के फेयर में था। फिलहाल कोई उसका पेनल्टी नहीं लगा, बट 1674 रुपये फिर भी लग गए, काफ़ी महंगा हो चुका है। वो बता रहे थे गाड़ी पर डिपेंड करता है, जैसी गाड़ी वैसा इंश्योरेंस हो सकता है। तो फिलहाल नारियल पानी पीते हैं, उसके बाद चलेंगे रूम पे। फाइनली गाइस रूम के अंदर आ चुके हैं और काम लगभग कंप्लीट हो गया। इंश्योरेंस वगैरह कराना था, कुछ ग्रॉसरी लाना था आपको, जैसे ब्लॉग में दिखाया है सुबह से। तो फाइनली अब चलते हैं, कुछ डिनर वगैरह बना लेंगे। अभी तक कुछ अच्छा लगेगा इस लाइक देगा, मिलते हैं आपसे।